हेलो स्टूडेंट्स, अभी टेरिडोफाइट्स का जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे थे। लाइफ साइकिल है, नेक्स्ट जो है वो है लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल का स्टडी करते हैं हम लोग। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। एक्चुअल में टेरिडोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो सबसे यूनिक होता है, क्योंकि पढ़ेंगे हम लोग थैलोफाइट और ब्रायोफाइट। उन दोनों में देखना कि गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो डोमिनेंट होता है, एस्पोरोफाइट उसके ऊपर पैरासाइट होता है, या ये कह लो कि एस्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। जिम्नो और एनजियो में उल्टा है, मेन प्लांट एस्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है और वो एस्पोरोफाइट के ऊपर पैरासाइट होता है, या ये कहो कि गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट ओवर डिपेंड ओवर एस्पोरोफाइट, एस्पोरोफाइट पर डिपेंड होता है। ये एक ऐसा यूनिक प्लांट किंगडम है जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एस्पोरोफिटिक फेज भी इंडिपेंडेंट होता है, गैमेटोफिटिक फेज भी इंडिपेंडेंट होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। जब इसकी लाइफ साइकिल शुरू होती है, अभी हमने बताया था कि जो मेन प्लांट होता है उस मेन प्लांट में दो तरह की लीव्स बनती है, मेन प्लांट में दो तरह की लीव्स बनती है। एक जो लीव्स होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है, एक लीव्स होती है वो होती है फोटोसिंथेटिक, इसको हम वेजिटेटिव लीव्स बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक को वेजिटेटिव लीव्स भी बोलते हैं। और दूसरी जो लीव्स होती है वो होती है रिप्रोडक्टिव लीव्स, रिप्रोडक्टिव लीव्स, इसको हम बोलते हैं एस्पोरोफिल, एस्पोर बियरिंग लीफ इज कॉल्ड एस्पोरोफिल। तो इस तरह से वेजिटेटिव लीव को ट्रोफोफिल बोलते हैं, वेजिटेटिव को क्या बोलेंगे, ट्रोफोफिल, और जो रिप्रोडक्टिव होती है उसको बोलते हैं एस्पोरोफिल। तो दो तरह की लीव्स होती है इसके अंदर। अब होती कैसे है ये देख लो। जैसे अगर ये लीव्स है, प्लांट है मान लो, अगर ये लीव्स है इस तरह से, तो इसमें क्या होता है, इसके जो एबैक्सियल सरफेस होता है यहीं पे एस्पोर बियरिंग लीव्स होती है, और दूसरी जो ऐसी लीव्स होगी जो फोटोसिंथेसिस करेगी, इस तरह से होगी तो ये फोटोसिंथेसिस करती है। अब इसकी दो तरह के लीव्स के दो सरफेस होते हैं, एक डोर्सल या एडैक्सियल, एक होती है वेंट्रल या एबैक्सियल। तो जो लीव्स इसमें एस्पोरोफिल जो बनता है वो इसके एबैक्सियल सरफेस पे बनता है, वो इसके एबैक्सियल सरफेस पे बनता है, याद रखिएगा। एडैक्सियल डोर्सल होती है, एबैक्सियल वेंट्रल होता है, ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन मिल सके उसको। अगर इस तरह की है ये, तो इसमें एक जो लीव्स होगी वो इस तरह से, अगर लीव्स है तो इसकी जो लोअर सरफेस होती है इसी में, लोअर सरफेस में ही इसके छोटे छोटे ग्रुप में बनते हैं एस्पोरेंजियम, इसलिए इसको एस्पोरोफिल बोलते हैं। इसी में एस्पोरेंजियम, लॉट ऑफ एस्पोरेंजियम बनते हैं ये, इसके अंदर इसको क्या बनेगा, एस्पोरेंजियम, इसके अंदर भी क्या बनेगा, एस्पोरेंजियम। और ये एस्पोरेंजियम के कारण हम इस लीव्स को क्या बोलेंगे, एस्पोरोफिल बोलेंगे। और जिस लीव्स में ये नहीं बनेगी वो वेजिटेटिव लीव्स होती है, उसको हम ट्रोपोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्पोर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, जैसे इक्विसीटम हो गया, सिलेजिनेला हो गया। ये अक्सर आता है, 5-6 नाम दे देगा आपके पास और पूछ देगा कि इनमें से कौन से होमोस्पोरस हैं और कौन से हेट्रोस्पोरस हैं। तो दो तरह के टेरिडोफाइट्स होते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, याद रखिएगा। एक बार मैं लिख देता हूँ, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर, टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल स्पोर्स, होमोस्पोरस दैट इज प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल स्पोर्स। क्या करेगा वो, आइडेंटिकल स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल कौन कौन हो गए, तो एग्जाम्पल हो गया इक्विसीटम, जिसको हर्स्टेल मॉस कहते हैं, सिलेजिनेला,
इक्विसिटम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम टेरिडियम, ये क्या है, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं। उनमें एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, होमोस्पोरस। सम आर हेट्रोस्पोरस, कुछ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो इनमें स्पोरंजिया एक तरह का डेवलप हुआ, तो ये होंगे होमोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस में क्या होगा कि दो तरह का डेवलप होगा स्पोरंजिया, एक जो होगा वो डेवलप होगा माइक्रोस्पोरोफिल और दूसरी डेवलप होगी मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में डेवलप होगा मेल गेमिट और मेगा स्पोरोफिल में डेवलप होगी, सॉरी, माइक्रोस्पोर में डेवलप जो होगा वो माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजियम। ये है मेगा स्पोरेंजियम और ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जो ये हेट्रोस्पोरस है, ध्यान रहे, ये पूरे के पूरे क्या है, होमोस्पोरस है, और ये क्या हो गया, हेट्रोस्पोरस हो गया, हेट्रोस्पोरस हो गया, प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोरेंजियम। एक जो होगी उसको बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम और जो लीव्स होगी इसको बोलेंगे मेगा एस्पोरोफिल और ये जो होगा वो होगा माइक्रोस्पोरेंजियम और लीव्स को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, इसको बोलेंगे माइक्रो एस्पोरेंजियम और इसको बोलेंगे माइक्रो एस्पोरोफिल। अब क्या होता है, इसमें भी बताया था मैंने कि वाटर इज एसेंशियल, जब वाटर इसमें पानी के एब्जॉर्ब करेगा तो ये पहले फूलेगा, फूलने के बाद फटेगा, ये स्पोर्स सारे बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, जब जर्मिनेट होंगे तो नया बनाएंगे वो। अब देखो कुछ में क्या होता है कि जो होमोस्पोरस होते हैं इनमें ये सारे के सारे कॉम्पैक्ट होकर के कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको बोलते हैं एस्ट्रोबिल। ये जितने स्पोर्स हैं वो सब के सब होमोस्पोरस में क्या होता है, हेट्रो में नहीं बनाएंगे, होमोस्पोरस में बनता है। इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स मोस्ट मतलब क्या कहोगे, मेनी स्पोरेंजिया क्लस्टर्ड एंड फॉर्म ए कोन शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्ट्रोबिलाई। ये इस तरह से सारे स्पोरेंजिया मिलकर कोन शेप स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिस कोन शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोबिलाई कहते हैं। इक्विसिटम में होता है उसको हॉर्सटेल मॉस कहते हैं, इसीलिए इस तरह से ये एस्ट्रोबिलाई या एस्ट्रोबिल बोलते हैं इसको। ये पूरा कोन हो जाएगा और इसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया बन जाएंगे, जब मैच्योर होंगे तो ये भी स्पोरेंजिया रप्चर होगा और सारे के सारे ये स्पोर्स हवा में स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से बनता है हॉर्सटेल मॉस, ये छोटे छोटे इसमें लीव्स रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोबिलाई बोलते हैं, ठीक है। ये बनता किस में, इक्विसिटम में, सिलेजिनेला में भी बनता है, ये टेरिडियम में भी बनता है, लेकिन मेनली इक्विसिटम में बनता है, इसलिए इक्विसिटम को देखने में ये पूरा का पूरा ये हॉर्सटेल, इसीलिए मॉस बोलते हैं इसको। आपके एनसीईआरटी में इसका मतलब फोटो डायग्राम भी दे रखा है, इक्विसिटम को हॉर्सटेल मॉस बोलते हैं। अब ये सारे के सारे स्पोरेंजिया रप्चर होंगे, लॉट ऑफ स्पोर्स हवा में स्प्रेड होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, ग्रुप ऑफ लीव्स एक जगह ग्रुप में आ जाती है तो उसको सोराई बोलते हैं। कई बार क्या होता है, स्पोरोफिल्स जो होती है वो ग्रुप में क्लस्टर हो जाती है तो उसको बोलते हैं सोराई, ठीक है। तो इस तरह से ये एस्ट्रोबिल जो होता है स्पोरेंजियम क्लस्टर होकर बनाते हैं और जब लीव्स क्लस्टर होकर बनाएगी तो उसको बोलेंगे सोराई। ये लीव्स होती है, कई सारी स्पोरेंजिया लीव्स जो होती है एक जगह से इस तरह से डेवलप हो जाती है उसको बोलते हैं हम सोराई। कई जो लीव्स हैं इस तरह से डेवलप होकर के और इसके अंदर कई सारे स्पोर्स बनेंगे जिसको हम बोलते हैं सोराई। तो ध्यान रखिएगा, जब स्पोरोफिल यानी कि स्पोर बियरिंग लीव्स क्लस्टर में हो तो उसको बोलेंगे हम सोराई, ठीक है। एस्पोरेंजियम जिसके अंदर स्पोर्स बनता है वो जब क्लस्टर में हो जाता है तो वो बनाता है एस्ट्रोबिलाई, ठीक है। वैसे भी दो तरह के मिलेंगे टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस के अलावा, एक मिलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट, एक मिलते हैं यू स्पोरेंजिएट। जब सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल डेवलप होकर बनाएगा, एक स्पोरेंजियल इनिशियल है इससे जब स्पोर बनेगा तो उसको बोलते हैं लिप्टोस्पोरेंजिएट, लिप्टो
S4NG8। और कई में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोराई मिलते हैं, ग्रुप ऑफ S4NG लिनियर सेल बनता है, तो उसको U S4NG8 बोलते हैं। जो U S4NG8 होता है वो एडवांस कैरेक्टर वाला होता है। U S4NG8 जो होता है ये एडवांस कैरेक्टर वाला टेरिडोफाइट्स होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जब इसमें से निकलेंगे तो होमोस्पोरस का जब टेरिडोफाइट्स का जो एस्पोरेंजियम निकलेगा तो वो दोनों के दोनों या हेट्रोस्पोरस का जर्मिनेट होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको बोलते हैं हम प्रोथैलस। हर्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ग्रीन कलर का होता है वो भी, तो उसको बोलते हैं हम प्रोथैलस। इस तरह से हर्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है ये, इसमें राइजोइड होते हैं ये क्या होते हैं, इसके राइजोइड होते हैं। अब सुनो, तो जो ये राइजोइड नॉन वैस्कुलर होते हैं, इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू डेवलप नहीं होता है, ध्यान रखना। वैसे भी गैमेटोफाइट वैस्कुलर होते हैं। अगर होमोस्पोरस होगा तो एक ही प्रोथैलस के अंदर, इसका नाम है प्रोथैलस, इसी प्रोथैलस में एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया डेवलप होगी। अगर होमोस्पोरस होगा एंथ्रेडिया भी डेवलप होगा और आर्चिगोनिया भी डेवलप होगी। एंथ्रेडिया में बनेगा एंथीरोजॉइड या मेल गेमिट, आर्चिगोनिया में बनेगी एग या फीमेल गेमिट। एंथीरोजॉइड जो होता है इसका मोटाइल होता है, इसलिए इसमें जॉइडियोगेमी होता है, आगे भी बताएंगे। तो होमोस्पोरस अगर होगा तो उसकी जो थैलाई होगी, प्रोथैलस जो होगा वो मोनोसियस होगा। मोनोसियस इन द सेंस दैट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन डेवलप ऑन सेम थैलस, देन इट इज कॉल्ड मोनोसियस। तो जो अगर होमोस्पोरस पूछा जाता है कि होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस के प्रोथैलस में क्या अंतर है, तो जो होमोस्पोरस का प्रोथैलस होगा वो क्या होगा, मोनोसियस होगा। मोनोसियस मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन डेवलप ऑन सेम थैलाई, तो उसको बोलते हैं मोनोसियस, ठीक है। और एक होता है जो हेट्रोस्पोरस होते हैं टेरिडोफाइट्स, उसमें दो तरह के प्रोथैलस बनेंगे। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होगा वो डेवलप होकर के मेल प्रोथैलस बनेगा, मेगा स्पोरेंजियम डेवलप होकर के फीमेल प्रोथैलस बनेगी। तो जो मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप करेगा, ध्यान रहे इसमें एंथीरोजॉइड डेवलप होगा, और जो मेगा स्पोरोफिल वाली होगी स्पोर उससे बनेगी आर्चिगोनिया। तो हेट्रोस्पोरस में दो तरह का प्रोथैलस बनता है, एक पे डेवलप होगा एंथ्रीडिया, दूसरे पे डेवलप होगी आर्चिगोनिया। तो ध्यान रखिएगा होमोस्पोरस थैलस मोनोसियस होता है, और हेट्रोस्पोरस का जो प्रोथैलस होगा वो क्या होगा, डायोसियस होगा। हेट्रोस्पोरस का प्रोथैलस क्या होगा, डायोसियस होगा, ठीक है। डायोसियस मीन्स मेल प्रोथैलस अलग होगा, फीमेल प्रोथैलस अलग होगी, ठीक है। अब देखो इनमें क्या होगा कि एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया, इसमें भी एंथीरोजॉइड बनेंगे, इसमें भी जब एंथ्रीडिया बनेगा ये एंथ्रीडिया, तो इस एंथ्रीडिया में भी यहाँ सील्ड सेल होंगे, जिनको जब पानी मिलेगा तभी ये यहाँ से फूल करके रप्चर होंगे, फटेंगे, और इसमें से एंथीरोजॉइड बाहर निकलेगा। यानी कि इसके भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर एसेंशियल है, इसलिए तो इसको भी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। आर्चिगोनिया पे अब ये एंथीरोजॉइड यहाँ से निकलेगा, ये एंथीरोजॉइड मूव करके खुद फीमेल गेमिट के पास पहुँचेगा। तो जब मेल गेमिट खुद मूव करके फीमेल गेमिट के पास पहुँचे तो उस तरह के फ्यूजन को बोलते हैं ज्वाइडियोगेमी। ज्वाइडियो मीन्स एनिमल, फ्लेजिला, गेमस मीन्स फ्यूजन, तो उसको बोलते हैं ज्वाइडियोगेमी। हायर प्लांट एंजियोस्पर्म में देखोगे तो उसमें पोलन ग्रेन मोटाइल नहीं होता है, नॉन मोटाइल होता है, उसको पोलन ट्यूब से पहुंचाया जाता है, उसको बोलते हैं साइफोनोगेमी। खैर आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान रहे, बताया था मैंने, मान लो अगर ये स्पोरेंजिया है, ये इसमें लीव्स इधर निकले हुए हैं, तो ये स्पोरेंजिया जब रप्चर होगा फटेगा, तो फटने के बाद इस एस्पोरेंजिया से निकलेंगे क्या, एस्पोर्स। वो एस्पोर्स हवा में उड़ करके कहीं ना कहीं ज़मीन पे गिरेंगे, मॉइस्ट सॉइल में जाएंगे, और उस सॉइल के अंदर ये जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होकर के इसके एस्पोर जर्मिनेट होकर के जिस स्ट्रक्चर को बनाएंगे उसको बोलते हैं प्रोथैलस। तो अगर होमोस्पोरस का प्रोथैलस होगा तो उसमें एक ही प्रोथैलस में मेल फीमेल दोनों ऑर्गन बनेंगे, अगर हेट्रोस्पोरस का होगा तो दो तरह का बनेगा, एंथ्रेडिया अलग उगेगा और आर्चिगोनिया अलग।
इसलिए इसको बोलते हैं डायोसियस, और जो एक ही में होता है उसको बोलते हैं मोनोसियस। अब आगे देखो क्या होगा, आगे जब इसमें पॉलिनेशन हो जाएगा तो इसी आर्चिगोनिया के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेट होकर के ये आर्चिगोनिया, इसमें पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होगा और यहीं से एक न्यू स्पोरोफाइट को डेवलप करना शुरू करेगी ये। यानी कि ये बोला जाता है कि इसका जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट से ही बनना शुरू हो जाता है। तो ये बोलते हैं यहीं से सीड बियरिंग हैबिट शुरू हुआ था। ये बोलते हैं कि सीड बियरिंग हैबिट कहाँ से शुरू हुआ, वो टेरिडोफाइटा से हुआ, यानी कि गैमेटोफाइट के अंदर से ही स्पोरोफाइट का जर्मिनेशन हो रहा है। बाद में ये प्रोथैलस सड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है और इसमें से धीरे धीरे रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ये रूट्स यहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, बाद में ये पूरा प्रोथैलस सड़ जाएगा और ये स्पोरोफिटिक प्लांट बन जाएगा। एक सीड हैबिट की शुरुआत यहीं से हुई थी, टेरिडोफाइटा से ही हुई थी। तो बाद में यही चल के डेवलप होकर के जिम्नोस्पर्म में और ज़्यादा एडवांस हुआ, एंजियोस्पर्म में और ज़्यादा हुआ, क्योंकि उसमें फ्रूट बन गया। अब इसकी आउट व्यू बनाते हैं, ये बनते कैसे हैं। देखो ये पूरा का पूरा होमोस्पोरस हेटरोस्पोरस प्रोथैलस अगर लाइफ साइकिल को ड्रॉ करें इसके, इसीलिए इसके लाइफ साइकिल को बोलते हैं कि सबसे यूनिक होता है, क्योंकि इसमें स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज दोनों अलग अलग या इंडिपेंडेंट होते हैं। अब देखो यहाँ मेन प्लांट ऑफ टेरिडोफाइटा ये होता क्या है, तो स्पोरोफाइट बोलते हैं उसको। मेन प्लांट को क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। इस मेन प्लांट में क्या बनेगा, स्पोरोफिल बनेगी। स्पोरोफिल के अंदर क्या बनेगा, स्पोरेंजिया बनेगा। इस स्पोरेंजिया के अंदर बनेगी स्पोर मदर सेल। इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। और जब मियोसिस होगा तो यहाँ बनेगा क्या, तो स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। स्पोर्स जो होंगे वो जर्मिनेट होंगे, और जब जर्मिनेट होंगे तो ये बनाएंगे क्या, प्रोथैलस। यही हर्ट सेप्ट प्रोथैलस। इस प्रोथैलस में दो चीज़ें बनेगी, एक बनेगी एंथ्रीडिया, दूसरी आर्चिगोनिया। ठीक है, एंथ्रीडिया से एंथीरोजॉयड मेल गैमेट, आर्चिगोनिया से एग, एग और एंथीरोजॉयड फ्यूज हो गए, फ्यूज होकर क्या बनाया, जाइगोट। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनेगा न्यू प्लांट या मेन प्लांट। ये पूरा का पूरा मेन प्लांट बन गया ये। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है इसका दो पार्ट में बट गया, ऊपर हो गया स्पोरोफाइट या नीचे वाला हो गया गैमेटोफाइट। तो इसका जो गैमेटोफाइट होता है ये हो गया गैमेटोफाइट, ऊपर वाला हो गया स्पोरोफाइट। मैंने लिख रखा है हालांकि यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज या स्पोरोफाइट, ठीक है, यहाँ ये ऊपर स्पोरोफाइट हो गया। स्पोरोफाइट ये 2N हो गया, और नीचे जो गैमेटोफाइट है वो क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ना तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड है और ना ही गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड है। क्यों, क्योंकि मेन प्लांट भी फोटोसिंथेटिक होता है और प्रोथैलस भी फोटोसिंथेटिक होता है। स्पोर मदर सेल से मियोसिस से स्पोर गिर गया जमीन पे, मिट्टी में गिरेगा, वो मिट्टी में जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर प्रोथैलस बनेगा, उस प्रोथैलस में एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया बनेगी, इससे एग और एंथीरोजॉइड, वहाँ से फिर जाएगा टेम्ब्रियो और मेन प्लांट बन जाएगा। तो मेन प्लांट जब बनेगा वो खुद फोटोसिंथेटिक होगा, जो प्रोथैलस होगा वो भी फोटोसिंथेटिक होगा। तो इस तरह से दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, किसी के ऊपर कोई भी डिपेंड
नहीं है, लेकिन मेन प्लांट जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है। इसलिए इसकी लाइफ साइकिल को हम डिप्लोहैप्लोंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बोलते हैं। इसकी लाइफ साइकिल को डिप्लोहैप्लोंटिक टाइप बोलते हैं, डिप्लोहैप्लोंटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल है। तीन चार चीज पॉइंट रिमेंबर्ड रखिएगा, मेन प्लांट ऑफ टेरिडोफाइट इज एस्पोरोफाइट दैट आर डिप्लॉयड इंडिपेंडेंट, अल्टर मतलब गैमेटोफिटिक फेज इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट बट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोथाइलस। किस रूप में रहेगा? प्रोथाइलस के रूप में रहेगा। प्रोथाइलस इसकी लाइफ साइकिल को हम ऊगेमस कहते हैं, क्योंकि मेल गेमिट मोटाइल होता है और फीमेल गेमिट जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऊगेमस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बोलते हैं। दूसरा ये पूछ देगा कि इसको इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, क्लियर। तीसरी पॉइंट याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट मतलब ये कि इसमें सीड बियरिंग हैबिट की शुरुआत यहीं से हुई थी, क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर ही एस्पोरोफाइट का जर्मिनेशन हुआ और वही एस्पोरोफाइट मेन प्लांट बन गया, तो सीड बियरिंग हैबिट की शुरुआत टेरिडोफाइटा से हुई थी। बाकी नाम बताए दिए, फर्न बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं और एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, ये पता ही आपको क्यों बोलते हैं। और बाकी इसमें क्रोमोसोम का बता दिया था, पूछ देगा कि मेन प्लांट में अगर 20 क्रोमोसोम है तो प्रोथेलस में कितना होगा? हाफ हो जाएगा, उतना ही एंथ्रेडिया आर्चिगोनिया में होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें जो गेमिट फॉर्मेशन होता है वो माइटोसिस के थ्रू होगा, जो एंथ्रेडिया के अंदर माइटोसिस होगा तब एंथीरोजॉइड बनेगा, या आर्चिगोनिया के अंदर भी माइटोसिस होगा तब एंथीरोजॉइड एग बनेगी, एग स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेन मेन पॉइंट थे इसकी लाइफ साइकिल के। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको अपलोड करते हैं।